नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि आज दो गवाह पेश किए गए और उनकी गवाही जो है वो भी दर्ज की गई। इन दोनों गवाहों ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से गुजरातियों को ठग कहा है, जो बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं हमारा अपमान भी हुआ है। अब देखिए, इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 21 तारीख को रखी गई है। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सभी गुजरातियों को ठग बताया था। उसके बाद अहमदाबाद के व्यापारी हरेश मेहता ने उनके खिलाफ केस दर्ज करके कहा था कि इस तरीके से तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने हमें अपमान किया है। और इसी मामले को लेकर लगातार मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई हो रही है और आज भी इसी मामले को लेकर सुनवाई हुई, जहाँ पर कोर्ट में दो गवाह जो हैं वो पेश किए गए और दोनों गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। उन दोनों गवाह से यही निकलकर सामने आता है, उनका कहना है कि जैसे तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं उनका अपमान हुआ है। तेजस्वी यादव ने यह बयान 22 मार्च 2023 को बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही दिया था और उन्होंने बातचीत करते ही कह दिया था कि सभी गुजराती जो हैं वो ठग होते हैं। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो गुजरात के अहमदाबाद के जो व्यापारी हैं हरेश मेहता, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची थी और फिर इसको लेकर उन्होंने शिकायत की और फिर ये मामला कोर्ट तक पहुँच गया और आज भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। अब देखने वाली बात यह है कि जहाँ दो लोगों के बयानों को दर्ज किया गया है और 21 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है, तो जो 21 जुलाई को सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है या फिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। देखिए, लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई तो हो ही रही है और इसी मामले को लेकर यह भी बता दें कि कैसे राहुल गांधी भी घेरे में आ गए थे। उन्होंने भी यह बयान दे दिया था कि सभी मोदी जो है वो चोर होते हैं, उनके कारण उनकी सदस्यता जो है वो भी चली गई। तो अब देखिए, अब तेजस्वी यादव के खिलाफ जो आज सुनवाई हुई है, जो दो बयान दर्ज किए गए हैं, जो दो गवाह पेश किए गए हैं, उन पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है वह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज कोर्ट में सुनवाई तो हो गई है। पिछली सुनवाई में ही जो गवाह पेश किए गए थे उसमें कोर्ट ने यही कहा था कि इससे काम नहीं चलेगा, कोई पुख्ता सबूत है तो वो कोर्ट को दिखाएं। और आज फिर से दो गवाह पेश किए गए थे, उन दोनों गवाहों ने यही कहा कि तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है कि सभी गुजराती ठग होते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा अपमान हुआ है। और इसी को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई और अभी अगली तारीख 21 जुलाई को रखी गई है। 21 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसमें देखने वाली ये बात होगी कि क्या तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।